हेलो जी, राम राम जी। मारा यूट्यूब चैनल बनाया मैं, तो सबको स्वागत है मारी यूट्यूब फैमिली को। देखो, आज न्यू प्रिंट ले रही हूँ कॉटन में, और ये लहरिया वाली पट्टी लगाऊंगा। हम डिजाइन बनाऊंगा तो बढ़िया पाचे डिजाइन को पता लग लो कैसी डिजाइन बनाऊंगा पाई मैं, क्योंकि इमें बढ़िया पाचे पता लग जाए भाई आप कैसी डिजाइन बना रहे और कैसी डिजाइन बता रहे थे मैं। तो थाने कटिंग और सिलाई पूरी बताऊंगी वीडियो में, तो पूरा वीडियो देख जो थे ना समझ में आवे तो कमेंट कर पूछ लेबो करो मने, और व्हाट्सएप नंबर देकर रखी जो अगर थाने पसंद आवे तो ऑर्डर भी कर सको जो। तो देखो, यह लहंगो छे ई की लंबाई छे आप 39 इंच और कमर छे 41, है ना। तो यह दो कलर तो कपड़ो लीजू, एक ही तो डिजाइन बनाऊंगा भाई। एक मीटर लीजू मैं ना, और यह लीजू 5 मीटर, 5 मीटर तो यह छे, और 2 मीटर यह पट्टा के लिए छे कपड़ो अपनो, है ना, 2 मीटर चाहिए। तो पूरा देख जो हमारा वीडियो ना समझ में आते कमेंट कर पूछ लीजिए। 7-6 मीटर तो यह नहीं, 5 और 2, 7 मीटर तो यह होगा कपड़ो अपनो, है ना, और 1 मीटर यह होगा, है ना। तो आप एक ही कड़े कटिंग करेंगे अब, है ना। तो यह 5 मीटर छे कपड़ा अपनो, जिन एक लड़ा फोल्ड कर देला, है ना। तो देखो, इमें 30 कड़ी कटिंग कर ला पा, है ना, 30 कड़ी कटिंग करूंगी मैं। तीस कड़ी कटिंग कर ला, तो इन्हें 5 बार फोल्ड कर ले ला, यानी कि इन्हें एक लड़ा कर। पहली में सुमन नेको निकाल लूली, क्योंकि नेपो निकाले बाद में फिर वो पैना की लंबाई की 38 सी आपने, और फिर ये निकल जाओ लो एक्स्ट्रा रोल जे। तो मैं नेपो निकाल दूँ पहली में, सो वो ही 5 इंच चौड़ाई, है ना, यानी का और लंबाई छे 41 इंच करनी चाहिए अपना। तो 41 इंच हो जाओगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी फोल्ड कर ला, तो यह कटिंग कर लेना भाई की। तो ये नेको निकाल ली भाई मैं, तो अभी नाप पर है ना, अब वो निकाल ले ला, और 4 इंच को पट्टो लगाऊंगा ठीक है ना, 4 इंच को पट्टो। तो देखो, ये लंबाई नाप लीजू, फिर इस हिसाब से घड़ी डाल ले मैं, अपन 39 इंच चाहे, तो 4 इंच को पट्टो लगाऊ ला, तो आप 36 इंच की लंबाई ले ले की, है ना, 36 इंच की ले रही हूँ मैं लंबाई। तो 36 इंच पर यहाँ फोल्ड कर ले ला ना, तो 5 बार फोल्ड कर बिछा ली। तो देखो, ये बिछा ली मैं इन्हें ना, और ये कॉटन प्रिंट चापनी है ना, बिछा ली। तो की लंबाई बताऊं तो देख लो मैं खाना 36 से 20 पीक से, और ये 5 लड़ा फोल्ड कर लिया ही ना अपा, है ना। तो अभी 3 लड़ा फोल्ड कर देना अपा, देखो ये तरीका सु, 5 मीटर कपड़ो जो आप मैं, है ना, तो ये फोल्ड कर दिया ही ना, और ये आई ना 3 लड़ा फोल्ड कर भी छाती मैं, है ना, ये तरीका सु। और ये कमर जाना आप रहा 41 इंच जा, 41 इंच च कमर। तो आप देखो, सिलाई में भी अवेली है ना, तो 2.5 इंच का निशान लगा ली तू, है ना, 41 इंच कर ला कमर। तो 30 कड़ी चाहिए,
और ये तिरछी लाइन खींच देगा फिर कटिंग भी सही होगी कली की, है ना, भाई कटिंग भी सही हो जाओगी का। तो ये कलियां कटिंग कर ला पापा, देखो ये तरीका सो तरीका से कटिंग कर ली थी लहंगा की मैम। तो 30 कड़िया को लहंगा जो अपना तो कड़े कटिंग कर ली जो सारी कड़िया ना अलग कराना फिर आप देखो ये कड़े कटिंग होगी अब अपनी साइड में से अलग कर ले जा कड़े अनुसार है ना। 15 तो ये रेवली कड़ी 15 वो रेवली तो ये आने के महीना अलग कर लू चुका है ना। तो देखो अंडा से भी अलग करनी पड़ लिया ना ये तरीका सो तो सारी गलियां इस तरीका से अलग कर लूंगी मैं तो यहां भी अलग कर लीजिए और फिर पट्टा कटिंग बताऊंगी थाने मैं। तो देखो यहां तिरछो भी चाली है ना अब मैं तो निशान लगाऊंगी है ना 4.5 इंच पर तो आप 4 इंच ले जाओ बढ़िया है ना। तो ये तरीका से ये निशान लगा रही हूँ मैं देखो ये निशान लगा रही था उसमें कटिंग कर रहा था तो ये निशान लगाई थी बस मैं कटिंग कर लूंगी अब देखो ये तरीका से पट्टा कटिंग कर रहा था फिर एक ऊपर रख कर रहा था कटिंग बाकी की तो अपना पूरा पट्टा कटिंग होगी। अब ये डिजाइन बना लो अभी तो ऊपर लहरिया वाली तो इसकी कटिंग कर लीजू मैं है ना। तो ये कपड़ो लीजू तो इन फोल्ड कर बिछाऊंगा कते ते इंच की पट्टे काट लो बताऊ तुम मैं तो ये निशान लगा लेते पहले कितनी पट्टी है उसे दिखाएंगे है ना उस हिसाब से 4 इंच का निशान लगा लीजिए मैं एक दो तीन चार पांच छह सात पूरी पिक्स आ जा रही आपने ये हाँ तो ये लाइन खींच लेते पहले पूरी का और ये तरीका से कटिंग कर लेना देखो एक पट्टी लगा दीजिए मैं पूरी का तो सारी पट्टे की ये तरीका से कटिंग कर लूंगी मैं। तो देखो ये दो दो कलिया की सिलाई कर ले ला पा यहाँ उन्हीं का कलिया जोड़ू ली ये 30 कलिया को लहंगो चा अपनो 5 मीटर कपड़ा हम 30 कले ही कटिंग हो चा तो ये आप सारी कलिया जोड़ ले ला है ना ये तरीका सु कॉटन को कपड़ो चा अगर थान चाहिए तो ऑर्डर भी दे सको चो थे ही मैं अगर लहंगो पसंद आ रही तो थान तो यहाँ उन्हीं का मैं सारी कलिया की सिलाई कर लू ली एक बार और एक पट्टो इको ही लगाऊ लापा तो यहाँ उन्हीं का मैं कड़ा जोड़ दूंगी
देखो ये रखकर सिलाई में करूँ ली तो सिलाई में थोड़ी सी ज्यादा ले हुआ, नहीं तो फिर छिक जाओ चो कपड़ो बाद में। सिलाई में सही ले लापा तो सही रहोगे फिर, है ना। ये तरीका सा बहुत अच्छी प्रिंट से कॉटन किया। और 30 कलिया को चाहिए अपनो लहंगो। तो सारी कलियां जोड़ ली मैं और यह नेपो तैयार कर लिया आप फोल्ड कर रहे। और यह अबे कलिया के नीचे ही के नीचे रख दिया ना, और नेपो जोड़ दिला। फिर नेपा ने फोल्ड कर सिलाई करूँ ली मैं ये तरीका सू। तो खींचे ने आराम से लगा हुआ नेपा ने फोल्ड कर रहे, तो यहाँ उन्हें फोल्ड कर ली मैं। अब यह तिरचो वालों पट्टो च ना यहाँ उन्हीं का सिल ला पूरा ना, आडे तिरचो सिला का हो पट्टो ये तरीका सू। तो यहाँ उन्हें पूरा पट्टा तैयार कर लूँ मैं सिलर। तो यह लहंगा का जोड़ा ला भाई फोल्ड कर रही है नीचे रख दी मैं ना, तो पूरा पट्टा नहीं की यहीं सिलाई कर लूँ ली मैं। तो देखो ये पट्टाई का ऊपर डिजाइन बनाऊँ ली मैं। तो यह आपा ये ना सिला ला जोड़ ले ला। 1 मीटर कपड़ा की कटिंग करी ची मैं, ये कप पट्टिया 4 इंच चौड़ाई ची के, तो आधा आधा इंच सिलाई रह जाओ ले तो 3 इंच रह जाओ ले आपने फिर या। तो यहाँ उन्हीं का देखो मैं ये ना जोड़ ली पूरी पट्टिया ना, तो लहंगा को ऊपर रख कर फिर सिलाई करा ला आपा। तो एक बार जोड़ लू ली मैं सारी पट्टिया ना, क्योंकि आपने ये लहंगा में 7.5 मीटर घेर जाए तो 7.5 मीटर लंबी पट्टी लाग ली है लहंगा का, है ना। तो यहाँ उन्हीं का जोड़ रही चू मैं। तो देखो ये को ऊपर रख दी, अब लहंगा को ऊपर पट्टा को ऊपर रख रही चू मैं। और यह साथ में समोसा वाले लेस भी लगा रही चू और साथ में फोल्ड कर सिलाई कर रही चू की यहाँ उन्हीं का। तो साथ में ये सिलाई कर ले ला यहाँ उन्हीं का। बहुत सुंदर लहंगो बन रहे तैयार हो लो अपनो या। अच्छा बना लो लहंगो। तो सारी पट्टी है उन्हीं के तैयार करा ला, दोनों साइड हम लगाऊ ला लेस। समोसा वाली लेस लगाई चुकी हूँ मैं उन्हीं की। तो देखो इस साइड भी अब ये फोल्ड कर, अंडी की साइड थोड़ी थोड़ी चुन्नटा पड़े ली है ना, और ये को ऊपर फोल्ड कर रख देंगे और फिर ये समोसा वाली लेस लगा दूंगी को ऊपर मैं। तो यहाँ उन्हीं की सिलाई कर लूँ ली पूरी पर, पूरी पट्टी तरीका से तैयार करूँ ली मैं। तो ये पट्टी पूरी तैयार होगी। अब नेफा पर भी लेस लगाऊँ लाई की, नेफा पर लगा साइड वाली सिलाई करा ला। तो ये नेफा पर समोसा वाली लेस लगा दी चू मैं अबे, और ये साइड वाली लास्ट वाली कली की सिलाई हो जाओ ले कर ले ला बाबा सही तरीका सू। तो आप लहंगो पूरा बन रहा तैयार हो जाओगो। तो देखो ये लास्ट वाली कली लास्ट में सिलाई करा चाहे तो 8 2 3 सिलाई कर लूँ ली मैं। तो देखो यहाँ उन्हीं को लहंगो तैयार ही हो चुका। तन के शौक लागे हो वो कमेंट कर जरूर बता जियो। अगर थान बढ़िया लागे हो तुम्हारे चैनल ने लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थे भी बनाओ यहाँ उन्हीं को लहंगो।